मैच के बाद मुशर्रफ मुर्तजा ने कहा, यह सचमुच का चैंपियन खिलाड़ी है। नमस्कार, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का 40वां मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 314 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की तरफ से शानदार फॉर्म में चल रहे शाकिब उल हसन ने 74 गेंदों में 66 रन और सैफुद्दीन ने 38 गेंदों में 51 रन की पारी खेली, परंतु उनकी ये पारी बांग्लादेश की टीम को जीत नहीं दिला सकी और टीम इंडिया ने इस मैच को 48 रनों से जीत लिया। इस मैच के साथ ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। इस मैच के दौरान भारत की तरफ से 92 गेंदों में 104 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलने वाले रोहित शर्मा को इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के समाप्त होने के बाद बांग्लादेश के कप्तान मुशर्रफ मुर्तजा ने प्रेजेंटेशन के दौरान क्या कहा, आइए जानते हैं। बांग्लादेश के कप्तान ने कहा, हमें इस मैच में जीत हासिल करना काफी जरूरी था। हम इस मैच में जीत हासिल नहीं कर सके, परंतु मुस्तफिजुर रहमान ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के बल्लेबाजों को 80 और 90 रन बनाने की जरूरत थी और इस मैच के दौरान भाग्य हमारे साथ नहीं था। मुशर्रफ मुर्तजा ने आगे कहा कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए काफी अच्छा रहा। शाकिब उल हसन और मुस्तफिजुर रहीम ने टूर्नामेंट के दौरान काफी अनोखी बल्लेबाजी की। तमीम इकबाल के द्वारा रोहित शर्मा का कैच ओवर छोड़ने के बारे में बात करते हुए मुशर्रफ मुर्तजा ने कहा कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जो कि सचमुच एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और इस टूर्नामेंट में वह बेहद ही लाजवाब फॉर्म में गुजर रहे हैं, उनके जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ना हमें काफी महंगा पड़ा। परंतु उन्होंने ये भी कहा, क्रिकेटर में ये सब होता रहता है, हम तमीम इकबाल को इसका दोष नहीं दे सकते हैं। हम अपने आखिरी मैच में बेहतरीन क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।